देश के दूसरे राष्ट्रपति आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पे देश 1962 से आज ही के दिन को शिक्षक दिवस करके मना रहा है। ऐसे तो भारत में गुरु शिष्य परंपरा की एक बहुत पुरानी परंपरा है, गुरु पूर्णिमा का एक अवसर अलग आती है, लेकिन आजादी के उपरांत सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्मदिन को पिछले 61 साल से हम ही लोग शिक्षक दिवस करके पालन कर रहे हैं। कल देश की शिक्षकों को माननीय प्रधानमंत्री जी मिले, आज महामहिम राष्ट्रपति जी उनको देश के शिक्षक सम्मान की मर्यादा में उनको सम्मानित करेंगे। 50 स्कूल विभाग की शिक्षक, 12 स्किल इकोसिस्टम की शिक्षक और 13 उच्च शिक्षा के शिक्षक, ऐसे 75 शिक्षकों को, शिक्षयित्रियों को देश सम्मानित करने का परंपरा को बनाए साल भी रखा है। और आज की इस दिवस के अवसर पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से एक नई तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक पुनर्रचित और रीडेवलप्ड प्रोग्राम को आज से फिर शुरू किया जा रहा है। इसके उद्घाटन उत्सव पे मंच पे उपस्थित यूजीसी के चेयरमैन आदरणीय जगदीश कुमार जी, शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय संजय मूर्ति जी, वाइस चेयरमैन यूजीसी आदरणीय दीपक कुमार श्रीवास्तव जी, यूजीसी के सेक्रेटरी प्रोफेसर मनीष जोशी जी तथा विभिन्न विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर, वरिष्ठ शिक्षा प्रशासक, एजुकेटर, शिक्षक केवल इसी हॉल में नहीं देश में विभिन्न स्थान पे अनेक शिक्षक दूर संचार में इसके साथ जुड़े हुए हैं। मित्रों, 2-3 में पहले जो संशोधन की आवश्यकता है उसको मैं करना चाहता हूं। आज से ये HRDC की कल्पना हम लोगों के मन से नहीं रहेगा, इसके नया नाम हो रहा है मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, MMTTC। और MMTTC के माध्यम से जो प्रोग्राम चलेगा उसको मदन मोहन मालवीय या मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम पे, शॉर्ट फॉर्म पे मालवीय मिशन के तहत देश की 15 लाख शिक्षकों को निरंतर कैपेसिटी बिल्डिंग के काम पे एक नया आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए UGC ने इस प्रोग्राम का कल्पना किया है। मैं UGC को धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आज आप उसको एक रिवैम्प करने का आपने कोशिश किया है।